गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, द एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत सुभाषितानी जो प्रथम पाठ के 2 श्लोक पहले पढ़ चुके हैं, शायद आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। आज हम 3रे श्लोक की व्याख्या करेंगे। श्लोक है हमारा, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक को आप अपनी किताब में देखेंगे और साथ के साथ इसको पढ़ते जाएंगे। दाने तपसी शौर्य शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यों 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 बहुरत्ना वसुंधरा बहुरत्ना वसुंधरा वसुंधरा। श्लोक नंबर 3। इस श्लोक की हम कठिन शब्दार्थ के साथ सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इसमें दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो शब्दार्थ लिखेंगे इसके सबसे पहले, शब्दार्थ में जो श्लोक के अंदर कठिन शब्द आए हैं, दाने यानी दान से, या दाने का मतलब होता है दान, से तपसी का अर्थ होता है तपस्या, तपस्या से या तप से। अगला है शौर्य यानी बल में। विनय का अर्थ होता है विनम्रता से। ही यानी निश्चय ही, और बहुरत्न यानी अनेक प्रकार के जो रत्न होते हैं, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाला। एक बार समझ लेते हैं इनको। दाने तपसी शौर्य, दाने का अर्थ होता है दान से, तपसी यानी तपस्या से, शौर्य यानी बल, विज्ञाने यानी विज्ञान, विनय यानी विनम्रता से, नये का मतलब होता है नीति से, और विस्मयो न ही कर्तव्य जो उसका करने के लिए, बहुरत्न यानी अनेक प्रकार के जो रत्नों वाला होता है उसको बहुरत्ना कहा जाता है, वसुंधरा यानी पृथ्वी। इस
कठिन शब्दार्थ के माध्यम से अपन इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है ये सप्रसंग में लिखेंगे, शायद आपने ये नोट कर लिया होगा। सप्रसंग व्याख्या, तो ऊपर हेडिंग डालो सप्रसंग। सप्रसंग श्लोक, हमेशा श्लोक की व्याख्या करते समय वो ही बात वापस कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानी से लिया गया है और इस श्लोक में क्या कहा गया है जो सप्रसंग में लिखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के रुचिरा के रुचिरा भाग दो, भाग द्वितीय कर देते हैं आप, भाग द्वितीय, द्वितीय भाग द्वितीय सुभाषितानी प्रथम पाठ, प्रथम पाठ सुभाषितानी से लिया गया है, सुभाषितानी से लिया गया है। अब देखो इस श्लोक में क्या कहा गया है कि दान, श्लोक के अंदर दान तप शौर्य विनम्रता के बारे में बताया गया है कि ये क्या है। देखो इसी के साथ लिखो, इस श्लोक में, इस श्लोक में दान तप शौर्य और विनम्रता और विनम्रता के बारे में बताया गया है, बताया गया है। ये सप्रसंग हुआ, इसी के साथ व्याख्या करते हैं। अब इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या के बाद व्याख्या, व्याख्या में सबसे ऊपर लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, सॉरी उपयुक्त श्लोक ऐसा लिख लो, उपयुक्त, उपयुक्त श्लोक में, उपयुक्त श्लोक में। अब आपके आया है दाने तपसी, दान तप शौर्य विज्ञान और विनय और नई नीति में, और नई नीति में इनका हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये सब होते रहते हैं। दान होता है, तपस्या करते हैं, विज्ञान है, विनम्रता है, ये सब होते रहते हैं। और क्या पृथ्वी पर अनेक रत्नों को धारण करने वाले, क्या कह रहा है कि विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रत्न बने हुए हैं और अनोखी, पृथ्वी पर जो अनेक अनोखी वस्तुएं भी हैं, रत्न भी हैं, तो उनको उनको देखा गया है, तो हमें इन पर आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको डिटेल से लिखेंगे उपयुक्त श्लोक में,
दान, तप, तप यानी तपस्या, दान तपस्या, बल, बल में विज्ञान में, विज्ञान में, और विज्ञान में यहाँ पर लिख दो विनम्रता में, विनम्रता में, और नीति में, नए यानी नीति, और नीति में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये सब होते रहते हैं, आश्चर्य, विस्मय यानी आश्चर्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि क्योंकि पृथ्वी, पृथ्वी जो है, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को, अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अनेक रत्नों को धारण करने वाली, करने वाली है, अर्थात, अर्थात पृथ्वी पर अनेक प्रकार की, पृथ्वी पर अनेक प्रकार की अनेक प्रकार की अनोखी वस्तुएं हैं, अनोखी यानी अद्भुत, अद्भुत यानी अनोखी, अनोखी वस्तुएं हैं, अनोखी वस्तुएं, वस्तुएं हैं, अतः दान, तप आदि कुछ, आदि कुछ ही वस्तुओं पर, आदि कुछ ही वस्तुओं पर, वस्तुओं पर आश्चर्य करना, आश्चर्य करना उचित नहीं है, उचित नहीं है। यानी इसमें दान, तपस्या और बल, विज्ञान, विनम्रता, ये नीति में, अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए आदि, इनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रत्न धारण करने वाली जो पृथ्वी है, उन पर अनेक प्रकार की ऐसी अनोखी वस्तुएं हैं जो सभी विद्यमान हैं, इन पर आश्चर्य करने की कोई बात ही नहीं है। तो इस श्लोक में यही समझाया गया है और इसी के आगे इसका विशेष यानी श्लोक का निष्कर्ष क्या है, विशेष बात क्या है, उसमें अपन दो पॉइंट लिखेंगे। विशेष, विशेष बात क्या कही गई है इसमें, पहला है कि श्लोक में, श्लोक में दान, तपस्या, विनम्रता, विनम्रता आदि पर आदि पर
आश्चर्य करना करना अनुचित है, यानी ये सब कर्म होते रहते हैं, करना अनुचित है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भाषा सरल सरल सहज व स्वाभाविक हैं, स्वाभाविक है। तो ये श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसको घर पर अच्छा पढ़ेंगे। इसी के साथ हम दूसरे श्लोक की व्याख्या करते हैं। श्लोक नंबर 4, शब्दिरेव, एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि जो कठिन शब्द है वो भी आप पढ़ना सीख जाए, क्योंकि श्लोक की भाषा बहुत कठिन है, यानी पढ़ने में थोड़ा संस्कृत में ध्यान रखना होता है। शब्दिरेव साहसित शब्दि कुर्वित संगीतम शब्दि विवादम मैत्री च ना शब्दि किंचिदा चरेत किंचिदा चरेत, यानी कोई नहीं। तो इस श्लोक को अपन हम लिखेंगे, शब्दिरेव शब्दिरेव साहसित साहसित शब्दि शब्दि कुर्वित संगीतम स अंग ग तिम। नेक्स्ट है शब्दि विवादम शब्दि विवादम विवादम मैत्री च मैत्री च ना शब्दि ना शब्दि विसर्ग आएगा किंची की चदा चरेत। श्लोक नंबर 4 है ये, शब्दिरेव साहसित शब्दि कुर्वित संगीतम शब्दि विवादम मैत्री च ना शब्दि किंचिदा चरेत। तो इस श्लोक के कठिन शब्द से ही अर्थ मालूम करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ, शब्दिरेव शब्दि शब्दिरेव का मतलब होता है सज्जन, सज्जन के लिए आया है। शब्दिरेव शब्द किसके लिए आया है? सज्जन के लिए आया है। तो और इसका संधि विच्छेद करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? स द भी सद भी बोलेंगे प्लस एव, शब्दिरेव शब्दिरेव सद भी प्लस एव। शब्दिरेव का मतलब होता है सज्जनों के साथ, सज्जनों के साथ साथ ही, सज्जनों के साथ ही। साहसित शब्द कठिन है लेकिन इसका संधि करने पर शब्द
सरल हो जाते हैं। सहासित सह धन आसित, सह धन आसित, सहासित का मतलब होता है साथ बैठना चाहिए, साथ बैठना या रहना दोनों लिख सकते हैं, बैठना चाहिए। अब शब्द है कुर्वित, कुर्वित, कुर्वित का होता है अर्थ करना चाहिए। कुरु, कुरु शब्द आया है, कुरु यानी करना, तो कुर्वित यानी करना चाहिए। ना शब्दी, यहाँ पर शब्दी रेव और यहाँ पर ना शब्द लग गया, ना शब्दी स, इसको शॉर्ट रूप में लिख देते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा, ना सदबी, स द बी, ना सदबी यानी सदबी यानी सज्जन लोग, तो ना लग रहा है, ना शब्द दुर्जन के लिए कहा गया है, तो दुर्जन के साथ नहीं, दुर्जन के साथ नहीं। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं वो सरलार्थ करेंगे। अब इनको याद करने पर आपको व्याख्या करने में बहुत सीधापन लगेगा कि कठिन शब्द याद होंगे तो अर्थ जल्दी लिख पाओगे। अब सप्रसंग, सप्रसंग में जो पहले श्लोक में लिखा गया है वो सभी श्लोकों में लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ, रुचिरा के भाग दो, भाग द्वितीय द्वितीय प्रथम पाठ, प्रथम पाठ शुभाषितानि, शुभाषितानि से लिया गया है, लिया गया है। और इस श्लोक में क्या कहा गया है वो बात लिखनी है, तो लिखो इस श्लोक में, इस श्लोक में इस श्लोक में सज्जन व्यक्तियों, सज्जन व्यक्तियों, सज्जन व्यक्तियों की संगति में, सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, करनी चाहिए। अब इसी के साथ इसकी व्याख्या करेंगे, व्याख्या। तो उपयुक्त श्लोक में, उपयुक्त श्लोक में क्या कहा गया है कि हमें सज्जनों के साथ, हमें सद्दिरेव, सद्दिरेव का मतलब सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति, साथ ही संगति करना चाहिए,
सज्जनों के साथ ही सज्जनों के साथ साथ ही विवाद विवाद यानी लड़ाई झगड़े सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। यानी मित्रता भी सज्जन व्यक्ति के साथ करनी चाहिए और विवाद भी सज्जन व्यक्ति के साथ करना चाहिए। दुर्जनों के साथ ना सदब्दी दुर्जनों के साथ कभी भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। बस इस श्लोक में यही कहा गया है कि हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ ही संगत करनी चाहिए। मित्रता करनी हो तो सज्जन व्यक्ति और विवाद करना है तो भी सज्जन व्यक्तियों के साथ ही करना चाहिए, ना कि दुर्जन व्यक्तियों के साथ हमें विवाद और मित्रता करनी चाहिए। इसी के साथ जो विशेष बात है वो भी नोट कर लेते हैं कि उपयुक्त श्लोक में सज्जन व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि इस श्लोक की भाषा व्यवहारिक है, सरल है, सहज है। तो आप लिखो, इस श्लोक की भाषा भाषा सरल, सहज व स्वाभाविक है। तो इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें सज्जन व्यक्तियों की ही संगति करना चाहिए। मैं भी आशा करती हूँ कि आप भी हमेशा सज्जन व्यक्तियों का ही साथ दोगे, उनके साथ रहोगे, उनके ज्ञान का पालन करोगे। और जो भी आपको इस श्लोक के अंदर समझ में नहीं आया है या कुछ परेशानी हो पढ़ने में, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं और इसका समस्या का समाधान हम करेंगे। धन्यवाद।